साथियों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के देवसर में। दोस्तों, आज के हमारे इस खास सेशन में हमारे साथ हमारे आचार्य जी श्री राम मिलन शाह जी हैं और देश में वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा की दशा है और जो शिक्षा की दिशा है, इस विषय पर श्री आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टॉक विद शुभम पाठक पर। और आचार्य जी, हम आपसे बहुत सारी चीज़ें ये जानेंगे कि वास्तव में देश में जो शिक्षा के हालात वर्तमान में हैं, जो देश की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में जिस दिशा में जा रही है, इन सारे पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास सेशन में। आचार्य जी, हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान में देखने को मिलता है कि चाहे वो किसी बोर्ड का स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या किसी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसके लिए ट्यूशन क्लासेस जाना एकदम अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्या ये माना जाए कि शिक्षा व्यवस्था जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो शिक्षक लोग जानबूझ करके कम पढ़ाई करवाते हैं जिससे उन्हें ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने को मिल सके, या ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि ट्यूशन अनिवार्य ही हो चुका है एक क्लास एक फैशन की तरह? हाँ, आपने जो विषय उठाया, डायरेक्ट अगर देखा जाए कि आज की शिक्षा की स्थिति क्या है, तो स्थिति पर विचार करते हुए आपने प्रश्न किया कि आज स्टूडेंट किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो, क्या विद्यालय की पढ़ाई अधूरी है? विद्यालय से वो क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहा है? विद्यालय की पढ़ाई में क्या कमी है कि हर बच्चे को, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो, माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो, वो ट्यूशन के लिए मजबूर है जाने के लिए या अपने शौक बस जाता है, क्या ऐसी बात है? तो देखिए, आप जो इस विषय पर जो प्रश्न उठाए हैं, बहुत चैलेंजिंग वाला विषय है। अब हम स्वयं एक शिक्षक हैं, हम भी, हमारा अपना विद्यालय है सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवसर, और हम प्रयास करते हैं कि हम एक आदर्श शिक्षक की भूमिका में वहाँ काम करें। और एक तरफ देखा जाए तो हम घर पर भी, हालांकि हमारी कभी ये धारणा नहीं रही कि हम व्यवसायिक तौर पर बच्चों को अपने कमाई का साधन बनाएं, कुछ अपने शौक बस भी, कि खाली समय हमारे पास न रहे, बच्चों से दो चार बच्चों के अपना इंटरेक्शन में हम बने रहें, इसलिए हम खुद भी पढ़ाते हैं, घर में भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये बात सही है कि हर बच्चा ट्यूशन जा रहा है, उसकी मजबूरी भी है, कुछ तो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि जैसा आप प्रश्न उठाए हैं कि क्या स्कूल में कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक जानबूझ करके ऐसा पढ़ाते भी हैं कि बच्चा हमारे पास आए और ट्यूशन के लिए भी हमारा इधर का भी इनकम बना रहे और स्कूल में सब कुछ हम क्लियर कर देंगे तो फिर हमारे पास आएगा कौन? तो हम इस विषय पर बहुत दिनों तक विचार किए हैं और देखते आए हैं, कई जगह महानगरों में देखे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षकों को देखे हैं, और ये भी आपकी शंका जो है निराधार नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, भाई आज पैसे का ज़माना है, सबको अतिरिक्त इनकम चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए, पैसे की भूख है, तो थोड़ा सा, कई लोग, सबको तो नहीं कह सकते, कई लोग ऐसा प्रयास करते भी हैं कि भाई ऐसा गुंजाइश बना रहे कि बच्चा स्कूल के साथ साथ हमारे घर पर भी आने के लिए उसकी आवश्यकता कुछ है, जुड़ी रहे। तो शिक्षक भी देखिए कुछ है इस मामले में दोषी कह लीजिए। ये बात सही है कि स्कूल में अगर हम भरपूर दिल खोल करके हर टॉपिक पर हमको ट्यूशन न पढ़ाना होता तो हमारे पढ़ाने का एक तरीका अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आचार्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि 40-45 मिनट की क्लास होती है और उसमें एक चैलेंज हो जाता है कि कोर्स कंप्लीट करवाने का, कहीं ये भी तो वजह नहीं है इसके पीछे? हाँ, देखिए, ये वजह उतना प्रभावी नहीं है,
क्योंकि 45 मिनट में हमको जो पढ़ाना है, हाँ इसमें वजह ये मान सकते हैं कि छात्रों की भी एक टेंडेंसी होती है कि वो स्कूल की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको लगता है कि ट्यूशन में हम और पढ़ लेंगे तो उससे हमारी पूर्ति हो जाएगी, तो स्कूल में उतना ज़्यादा वो केयरफुल नहीं रहते। अगर बच्चा भी ट्यूशन पर बहुत आश्रित न रहे, न माने अपने आप को, उसको शौक न पाले, तो 45 मिनट कम नहीं है किसी भी विषय के लिए। भाई हम पर डे 45 मिनट पढ़ाएंगे ना हर विषय, तो हर टॉपिक को हम पढ़ा सकते हैं, अब पूरा होता है वहाँ। अब ये है कि बच्चे जो है स्कूल में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको किनारे कर दिए, और यहाँ ट्यूशन में जो पढ़ा रहे हैं, दोनों जगह के बच्चे नहीं पढ़ते, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। स्कूल में हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी वो तैयार करे, और ट्यूशन में जो पढ़ा है वो भी तैयार करे, ऐसा कोई नहीं करता। स्कूल वाला अगर उपेक्षित करेगा तो ट्यूशन वाला पढ़ेगा, और ट्यूशन वाला उपेक्षित क्यों करेगा जब वो ट्यूशन आया ही है। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या आपको नहीं लगता कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रहा है? बहुत गलत दिशा में जा रहा है भाई। अभी इस विषय पर जो है उसमें जी न्यूज में हम सुन रहे थे, सुधीर चौधरी जी इस विषय पर उठाए जी। उन्होंने कहा था कि आज स्थिति क्या है कि हर बच्चा, हर कोचिंग संस्थान इतने हाई लेवल पर काफ़ी पैसा अर्निंग वो कर रहे हैं, क्या मजबूरी है छात्रों की ऐसी कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई क्यों अपूर्ण है? एक तरह से देखा जाए तो वो एक कोरम पूर्ति है, वहाँ से मतलब कुछ नहीं मिल रहा है उनको जी। सर जो आपने बात यहाँ पर रखी कि स्कूल से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, और ASER की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया में 83% एजुकेटेड जो लोग हैं वो नौकरी पाने के लायक ही नहीं है, ऐसा क्या वीक पॉइंट आ जाता है खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा में? क्योंकि आप स्वयं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के शिक्षक हैं, हमें वो बताइए कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं आ जाती हैं कि 83% लोग नौकरी पाने के काबिल ही नहीं होते हैं इस शिक्षा से। देखिए नौकरी और जो भी जैसे गवर्नमेंट सर्विस की अगर आप बात करते हैं तो सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब तो नौकरी मिलेगी नहीं, ये शिक्षा प्रणाली का ही दोष कर मान लीजिए। हर घर में हर बच्चा सरकारी नौकरी कैसे करेगा? हाँ नौकरी करेगा, प्राइवेट सेक्टर में करेगा, बिजनेस करेगा, एजुकेशन का वो लाभ लेगा, लेकिन नौकरी सब कहाँ करेंगे? और दूसरी चीज जैसे ये होता है इसमें परीक्षा प्रणाली दोष है, सिलेबस तो ठीक है जी। परीक्षा पद्धति जो स्टेट बोर्ड का है, CBSE का कुछ ठीक है, स्टेट बोर्ड की सिलेबस फिट है, सिलेबस में कमी नहीं है। अभी MP बोर्ड का सिलेबस जो है NCERT के पूरा चलते हैं, सब केंद्रीय पाठ्यक्रम है NCERT, वही चीज़ अपने यहाँ चल रहे हैं, बल्कि उससे और प्राइवेट प्रकाशक जो है उसको और डिटेल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सिलेबस में तो कोई कमी नहीं है। हाँ परीक्षा प्रणाली में काफ़ी दोष है। हमने देखा है किसी बच्चे को हम व्यवस्थित पढ़ाएं, विषय पढ़ाएं, सब्जेक्ट का नॉलेज देना चाहें, तो उसको वो भरपूर जब पढ़ाई करेगा, दूसरा बच्चा कंपेयर करने के लिए रखिए जो परीक्षा की तैयारी करेगा, जिसको कहते हैं परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, छोटी छोटी गाइड आती है, अगर कोई बच्चा उस गाइड को बकायदे साल भर जो है उसके क्वेश्चनों को बिल्कुल फ्रेमवर्क बना करके बढ़िया लिपिबद्ध करने का अभ्यास करे, और एक बच्चा पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रात दिन हल कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गाइड वाला जो है ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो ये तो हम देखे हैं, इसीलिए अब बच्चे भी जानते हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं, जब थोड़ा डीपली चले जाएंगे बढ़िया कायदे से बच्चे सब समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सब समझ रहे हैं लेकिन तैयार नहीं कर पाएंगे, नहीं इतना तो क्या मतलब। इससे अच्छा है कि भाई इसमें से जो बढ़िया टॉपिक हो जो परीक्षा में आएगा उसी को हम चार बार पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से लिखेंगे, तो ये भाई परीक्षा उस तरह से लेना। तो ऐसे में वही एक प्रश्न उठ जाता है आचार्य जी कि ज्ञान महत्वपूर्ण है या हम बताएं इस संबंध में, आज ऐसे कुछ संस्थान हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफार्म हैं बढ़िया सम्मानित जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, बच्चे 95% लेकर के वहाँ पहुँचेगा, और क्या सिचुएशन है आप विचार कीजिए, वहाँ जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे या बच्चे वहाँ कोई टॉकिंग होगी, अब पूछेंगे कि भाई तुम्हारा परसेंटेज क्या है, तो वो बताएंगे 65, भाई कोई अपना परसेंटेज ज़्यादा नहीं बताता है, तो वहाँ जा करके वो 95 वाला 65 क्यों बताता है? क्योंकि वो डरता है।
कि जब कोई सामने से क्वेश्चन पूछेगा और हम 95% वाला हो करके नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए हम अपनी परसेंटेज लो बताएं, वहाँ नहीं भी बनेगा तो चलेगा। तो स्थिति यह है कि वो भी जानता है कि हमारी 95% माने 95% हमको नॉलेज नहीं है, 95% हमने स्कोरिंग किया है टेक्निकली और ज्ञान उस तरह का नहीं है जी। तो जब ज्ञान नहीं है सर, और हम ऐसे स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं जिनके 90% 95% बड़ी आसानी से बनते जा रहे हैं, एक्चुअल में उनको नॉलेज शायद 20% या 30% भी सब्जेक्ट का ना होगा, तो ये खोखली हम ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे एजुकेटेड लोग लाकर लाइन में लगा करके कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो भीड़ बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, दूसरे अर्थों में लेंगे ऐसे ले लीजिए ना, परसेंटेज जैसे कोई 50% के जगह पर वो 80% 90% कह रहा है तो अपनी उसकी हौसला बढ़ रही है, अब बाकी उससे मतलब नहीं है, वो साक्षर हो रहा है ये मानकर चला जाए कि भाई ठीक है 50% में उसको आनंदित नहीं हुआ, तो 90% अगर वो है तो उसको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अब 12वीं पास किया है तो 8वीं पास के बराबर तो नॉलेज होगा ना, तो साक्षर तो हो रहा है। वैसे भी जो है कहीं भी हमको नौकरी में जाना है तो नौकरी में जाना है तो वो तो एग्ज़ाम लेते ही हैं, हाँ, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो परीक्षा की के तौर तरीके हैं जो स्टैंडर्ड है वो बढ़िया है, वो शंका के दायरे में नहीं है। तो जिसको पढ़ना है, देखिए आज के डेट में सब कुछ खुला है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, भाई पूरी आज़ादी है, आप पढ़िए ना, रोका कौन है। और जिसको परसेंटेज चाहिए परसेंटेज लाइए, आपकी खुशी जिसमें मिलती है आपको, हाँ, दोनों ऑप्शन हैं। या फिर अच्छी पढ़ाई भी करिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि हमारी परसेंटेज भी डाउन ना हो, कुछ लिखने पढ़ने का जो टेक्निक है वो भी अपनाएं, सब कुछ विधा है तो कोई बुरा नहीं है। आचार्य जी, हमने फेसबुक पर इस पोस्ट को डाला था कि श्री शाह आचार्य जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, तो लोगों के आपके अधिकतर शिष्य ही हैं या आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखना चाहूँगा। हालांकि कुछ लोगों ने हमें बताया है कि आप नाम हमारा ना लीजिएगा, कुछ लोगों को नाम देने में आपत्ति नहीं है। तो आचार्य जी, सुनील द्विवेदी जी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आप शिक्षक भी हैं। आपका प्रश्न है कि क्या नई शिक्षा नीति से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? देखिए, हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे, अपना मत प्रस्तुत करेंगे, हैं। जो आज की शिक्षा पद्धति है इसमें हम तो दोष ही दोष देख रहे थे, है ना? और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्थान भी है सरस्वती विद्यालय, तो यहाँ हम लोग बहुत पहले से इस पर आवाज़ भी उठाते थे कि शिक्षा प्रणाली में दोष है, क्योंकि आज आप बहुत अच्छा टॉपर है, बहुत ब्रिलियंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हर चीज़ एक एक बुक जब पूरा नॉलेज आप रख लिए और नौकरी नहीं मिली तो वो पढ़ाई किस काम की, हाँ, आप पूरा बहुत अच्छी तैयारी किए, नौकरी पा गई तो बल्ले बल्ले, नौकरी अगर पा गए तो बल्ले बल्ले, और नौकरी नहीं मिला तो आपसे अच्छा तो वो है जो गोमती पर बैठ करके दिन भर में 100-150 रुपये पा जा रहा है और बढ़िया आराम से आकर के सुखी जीवन जिएगा, आपसे तो वो भी नहीं बनेगा क्योंकि आप नौकरी नहीं पाए। एजुकेशन का मतलब अपने देश में ऐसा कभी रहा नहीं, ये तो बीच में ऐसी आ गई, एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं, है ना? नौकरी तो उसका एक छोटा सा स्वरूप है, शिक्षा दीक्षा अलग चीज़ है नौकरी चाकरी से। वैसे हम समझते हैं, ये हम पढ़े भी हैं, हम लोग ट्रेनिंग में भी गए हैं एक दो जगह, वहाँ से भी कुछ है और अपना तमाम नेट वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं, तो उससे हमको समझ में आया जो हम चाहते थे कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, ज्ञान वर्धक, हैं, ज्ञान हासिल करने के लिए आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, न कि आप एक डिग्री लेने के लिए। डिग्री से आपका कल्याण नहीं होना है, डिग्री लेकर के आप रखे रहिए, आपको ज्ञान चाहिए। उसके अनुकूल नई शिक्षा नीति जो है के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये सब बनाई गई, इसरो के वो साइंटिस्ट रहे, वो पूरा भारत भ्रमण करके सबका विचार ले करके क्या अपने भारत के लिए सूटेबल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इस पर काफ़ी विचार मंथन करने के बाद ये आई। अब बताइए, हमको पढ़ना है मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और आप हमको कह रहे हैं कि नहीं मैथ फिजिक्स हिस्ट्री ऐसा तो कोई सेट है नहीं है जी। भाई काहे सेट नहीं है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है
तो हमारे सेट में काहे नहीं आएगा, कहे नहीं, इसलिए कि आप मैं ये फिजिक्स और मैथ लिए हैं तो हिस्ट्री उसके साथ नहीं आएगी। हाँ भाई, सेट बना हुआ है ना, या PCM PCB सब बना बना कर रख दिए हैं कि इसमें से एक पैकेट आप उठाओ जिसको पढ़ना हो, और तुम कहोगे कि हम इस सेट को तोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नई शिक्षा नीति जो है इसको ओपन कर दिया, आपको जो जो विषय पढ़ना है आप पढ़ो, परीक्षा हम ले लेंगे, उसी विषय का हम परीक्षा लेंगे। आप बताइए, APS यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर पढ़े और ऐसा वातावरण बना कि आप APS से बाहर जा रहे हैं जहाँ APS के कॉलेज नहीं हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है कि नहीं हम सेकेंड ईयर में नहीं लेंगे, हम तो फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेंगे। आप, हम बोल रहे हैं भाई APS से हम फर्स्ट ईयर किए हैं, सेकेंड ईयर में हमको एडमिशन दो ना, कहता है ऐसा नहीं है। अब नई एजुकेशन सिस्टम कहता है कि नहीं, पूरे भारत में एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाओ पढ़ो, फर्स्ट ईयर पढ़ करके आप छोड़ भी दो ना, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम फर्स्ट ईयर तक पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट ईयर का कौन अंक सूची है भाई, फाइनल करेंगे तब ना हम BA BSc का देंगे। लेकिन नहीं, नई एजुकेशन सिस्टम, जितना काम किए जो काम किए सबका प्रमाण पत्र हम देंगे। गैरेज में अगर आप चाहते हैं, आपकी ज़रूरत भी है कि हम थोड़ा दो पैसा कमाएँ और कुछ सीख भी लें, गैरेज में जाइए ना, वहाँ मोटर वोटर बांधिए वोधिए गाड़ी मोटर उनके साथ हेल्प कीजिए, और आज उसका कोई आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नई शिक्षा पद्धति में आप कहीं पंचर की दुकान पर जाइए ना, कुछ दिन काम करिए, आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, कुछ काम भी सीख जाएंगे, तो क्या ये एजुकेशन नहीं हुआ, उसका भी सर्टिफिकेट देगा ये, यानी कि 2020 इसका भी सर्टिफिकेट देगा। आप 12वीं के बाद चयन करते हैं कि हमको मैथ पढ़ना है, हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो भाई 12वीं तक में तो आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। बचपन में जो एजुकेशन, जो संस्कार 12वीं के अंदर तक में आपको दे दिए, जिंदगी भर वो उसको बदलना कठिन हो जाता है। आप बताइए, हमारे और आपके बीच में वैचारिक मतभेद है और हम लोग बहस करते हैं, आपको हम हरा न पाएं, भाई आप अच्छे बातूनी हैं, हम हरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके बातों को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा विचार परिपक्व हो चुका है। हैं, मतलब 12वीं कक्षा के अंदर ही, उस अवस्था में ही हमने विचारों को परिपक्व कर लिया है। इसीलिए दो पार्टी देखिए, राजनीतिक फील्ड में जाइए, एक कांग्रेसी रहेगा, एक BJP वाला रहेगा, अपने मतों को लेंगे, अपने मत कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने आक्रामक ढंग से वो भिड़ जाते हैं बातों बातों में ही। हाँ, कारण क्या है, क्योंकि उनका विचार अपना जो है वो बैठ गया है, आप नहीं बदल सकते उसको, वो अपना विचार बना लिया है। आचार्य जी, विचार से ही एक और प्रश्न संबंधित है, आपके प्रिय शिष्य रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बड़ा कौतूहल बस एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहा है आपसे, कि आप अपने छात्रों के जो प्रति अपना लगाव का पैमाना रखते हैं, वो उनकी सफलता को देखकर रखते हैं कि उनके व्यवहार को देखकर? हम बताएं, इस समय एक दिन विद्यालय में कार्यक्रम था, तो हम बोले वहाँ पर कि अवस्था का प्रभाव है या क्या, हम नहीं जानते। पहले कभी ऐसा था कि जो पढ़ने में अच्छे छात्र थे, अनुशासित थे, वो हमको अच्छे लगते थे, थोड़ा जो उद्दंड थे वो हमको अच्छे नहीं लगते थे। इधर कुछ सालों में हमको पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई अपने जगह पर, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे सबको, लेकिन हर बच्चा हमको प्रिय क्यों लगता है, चाहे कॉमर्स का हो, मैथ का है, बायो का है, पढ़ने में कमज़ोर है, आवारा टाइप का भी कुछ दिखता है, काफ़ी दोष है, लेकिन हमको वो काफ़ी प्रिय लगता है, ये कारण क्या है? हाँ, ये भी एक बच्चे भी हम देखते हैं, वो भी हमको मतलब लाइक करते हैं, उनको लगाव उनके अंदर है। तो देखिए, हमको लगता है कि ये हमारे अंदर के ऐसे भाव है, कहीं ना कहीं ये बन चुका है कि हर व्यक्ति, चाहे दुर्गुणी हो चाहे सद्गुणी हो, वो मानव है, हमारा बच्चा है, ये भाव हमारे अंदर है। अगर हम सुधार सकते हैं तो सुधारें जितना सुधार सकते हैं, बाकी हमको नफरत क्यों होगा उससे, हमारा बच्चा है ना, हम उसको जितना बेहतर बना सकते हैं तो बनाएंगे, अब बुरा क्यों लगेगा वो। तो देखिए, हमारा पैमाना अच्छा या बुरा कहने का उनकी पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। हाँ, हमको बच्चा, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, हाँ उनकी हर एक्टिविटी वगैरह देखते हैं उसके आधार पर। ऐसे ही आपके प्रिय शिष्य रहे हैं हर्षित राज सिंह चंदेल, और इन्होंने हालांकि बोला था कि आप नाम ना भी लीजिएगा चलेगा, लेकिन बात देने क्या था कि आप नाम ना लें,
इनका क्वेश्चन बड़ा ही एक डिफरेंट है। इनका यह कहना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जीवन में क्या दार्शनिक महत्व है और ये सभी विषय जीवन जीने की कला को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। ये चीज़ हम देख लिए थे फेसबुक में, उनके प्रश्न को हम देखे थे। उन्होंने लिखा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दार्शनिक पहलू क्या है, है ना, इस तरह के उन्होंने लिखा था। तो हम देखे हर्षित राज सिंह चंदेल को और हम वहाँ नीचे कमेंट भी कर दिए हम कमेंट इस तरह से किए कि ये मेरे छात्र हैं जो आकाश को तलवार से काटना चाहते हैं। और तर्क इनका ये है कि जब जुबान से किसी के दिल को चीर सकते हैं और मधुर वाणी से घाव को जब हम भर सकते हैं तो आकाश को तलवार से क्यों नहीं काट सकते, ऐसा हम उनको वहीं पर कमेंट कर भी दिए। खैर इनका जवाब बहुत वही आकाश, इसीलिए हम बोले हाँ कि पहले से भी जब पढ़ते थे उस समय से ही इसी तरह से अपनी कक्षा से काफ़ी ऊपर हो करके कल्पना लोक में भी जा करके दिमाग को काफ़ी वो करते थे, वैसे प्रश्न है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या किसी विषय का दार्शनिक पक्ष क्या है, तो दार्शनिकता का मतलब क्या है, दर्शन। और दर्शन का मतलब वही है जो शाब्दिक अर्थ है कि हमको दिखाई दे, हमको वो दिखाई दे जो आँखों से न दिखने वाला है वो भी दिखाई दे। जैसे भाव, भाव आँख से कहाँ दिखता है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भाव को भी हम क्यों नहीं देखते, देखते हैं। तो देखिए अभी पढ़ाई का क्या है कि अब बताइए हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये पंखा ऊपर है, अब बिगड़ गया तो हम इसमें हम मतलब असमर्थ पाते हैं और जो अनपढ़ है वहाँ रोड बाजार से उसको बुला कर लाते हैं और पंखा वो बनाएगा, है तो यहाँ कमी थोड़ी सी हो जाती है। वास्तव में क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ जैसे जहाँ वर्क प्लेस है हर चीज़ का, हर फिजिकल जो चीज़ें हैं वहाँ जाकर के प्रत्यक्षीकरण होता रहे, ठीक है प्रैक्टिकल तो कराते हैं लेकिन प्रैक्टिकल का एक दायरा है और जहाँ वास्तव में उनका कार्यस्थल है वहाँ के काम काफ़ी डिफरेंट हैं। तो वो चीज़ अगर साथों साथ चलता रहे, जैसे हम सिलाई पढ़ रहे हैं तो सिलाई जा करके जहाँ होती है दुकान में वहाँ जा करके भी देख लें, तो उनका इस तरह से है। ये बहुत जटिल प्रश्न है, आगे बढ़ा जाए, ये हर्षित का प्रश्न है आगे चलते हैं और अपेक्षा है कि हर्षित भाई इस रिकॉर्ड को फिर बाद में सुनेंगे। एक हैं इंजीनियर राहुल तिवारी जी, उनका प्रश्न आया है कि स्कूल में स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस समय काफ़ी बहस का विषय है, एक नारी जाति कपड़ों से ढक करके उनको सुरक्षित रखा जाए कि उनको ओपन रहने दिया जाए, बढ़िया खुला जैसा कपड़ा है वैसा पहने, है ना, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं छोटे कपड़े, तो छोटे बड़े क्या होता है भैया, छोटे कपड़े हैं बड़े कपड़े हैं, बाल ढक के रखे कि खुला रखे, चेहरे को छुपा करके रखे कि बढ़िया ओपन रखे, अपना आज़ाद घूमे फिरे वो भी मार्केट में कहीं भी। तो इसमें दो मत हैं, यह है कि भाई नारी रत्न है, सौंदर्य की प्रतीक है, हीरा जवाहरात को जैसे हम छुपा कर रखते हैं ऐसे घर की नारियों को भी इतना ओपन न रखा जाए, थोड़ा उनको कहीं ना कहीं पर्दा वगैरह दे करके ही रखा जाए। तो अब बताइए इसमें क्या मत है भाई, नारी अगर बाहर जाएगी छोटे कपड़े पहन के जाएगी तो कैसे टीका टिप्पणी हो रही है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि अरे मर्द जो है इस तरह का होता है वो उसका दिमाग इस तरह डिस्टर्ब होगा, भाई कपड़ा पहनी रहे तो शायद डिस्टर्ब ना हो, तो ये तो मर्द का दोष हुआ, उसका क्या है, यही स्मार्टफोन फोन का है भाई। स्मार्टफोन में बहुत सारी बुराइयां हैं, छात्र के हाथ में जो स्मार्टफोन आ गया तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ करेगा, वो उसमें बहुत तरह तरह के प्रोग्रामिंग हैं जो हमारे यूज के नहीं है, वो सब चीज़ उसमें उस समय खपाने लगता है, तो ये उस खपाने वाले का दोष है, स्मार्टफोन का क्या दोष है। स्मार्टफोन में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि हम बताइए अभी तक जो पढ़ते थे वो पढ़े, जो पढ़े आज हम स्मार्टफोन हमारे हाथ में है तो अपना सब्जेक्ट वगैरह कोई टॉपिक हम खोल करके पढ़ते हैं, ये स्मार्टफोन की न देन है। तो देखिए हाँ स्कूल में कह सकते हैं कि भाई स्कूल में जब तक क्लास चल रहा है तो स्मार्टफोन की क्या ज़रूरत है, तो हमको तो लगता है फिर ये भी कहे लड़का कि जब हमारा क्लास चल ही रहा है तो स्मार्टफोन जेबा में पड़ा है तो दिक्कतें क्या है,
तो देखिए, अब बहुत प्रतिबंधित लाइफ से मतलब नहीं है कि ये दिया जाए ये न दिया जाए, थोड़ा जागरूक बनाया जाए। एक और आपके प्रिय शिष्यों में से एक रहे हैं, इनका भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का ही है। इनका दरअसल क्वेश्चन है कि जमाने के अनुसार स्कूलों में हिंदी माध्यम को कितना सही आप मानते हैं इंग्लिश माध्यम के तुलना में। देखिए, ये भी बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आज अगर देखा जाए तो हर गार्जियन को लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में दक्ष हो तभी वो प्रगति कर पाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षता का मापदंड आपका क्या है? दक्षता का मापदंड है एक नौकरी, ठीक। और नौकरी किसने विकसित किया? आज की जो नौकरियां हैं, जो पद पोस्ट हैं, इनका तौर तरीका किसने ये दिया, ये ढांचा कौन दिया? ये अंग्रेज लोगों ने दिया। जब अंग्रेज लोगों ने दिया ये सब चीज़, उसी पर हमको चलना है। उनका परीक्षा पैटर्न है, उनके पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है, हाँ, तो वो हम लेके चल रहे हैं। तो इंग्लिश भाषा को भाई, वो लोग इतना तो था कि उनका जो ओरिजिन था अपनी भाषा का, ज्ञान का, वो आगे की पंक्ति में रहे और पूरे दुनिया में वो फैले और दूसरे को अपना फॉलोअर बनाए, वो किसी का नकल नहीं किए। आज इसलिए वो चमक रहा है, हम उनके अनुयायी बन गए। भारत की संस्कृति, भारत की भाषा में क्या कमी है बताइए? हिंदी और संस्कृत जैसा व्याकरण क्या इंग्लिश में रखा हुआ है? हाँ, एक एक शब्दों में जितना गहरापन है। एक दिन देख रहे थे हम वायु, अभी हम लोग वायु जानते हैं बहुत, उसका वो करेंगे तो वायु के घटक बता देंगे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 वगैरह, लेकिन अपने भारत में 42 या 45 प्रकार का वायु, और हकीकत में वायु के हर नाम को आप लेंगे तो उनका अलग बोध होता है। तो हिंदी में दोष नहीं है, लेकिन आज के डेट में जो ये है तो थोड़ा सा हिंदी को दब गई है, तो थोड़ा लग रहा है। देखिए, सलूशन ये है, हिंदी को जिसने भी दबाया, जैसे भी दबाया, उसको उभारना है। वैसे भी हिंदी ऐसा है कि कितना भी आप दबाए हैं ये दबी नहीं है। भारत के हर कोने में आज भी हिंदी सब समझते हैं, बोल भले न पाते हों। विदेशों में भी हिंदी बहुत सारे जगहों में समझते हैं, बोल भले नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश को भी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही है, इंग्लिश को भी लेके चलना है। और अभी वैसे शायद नई एजुकेशन पॉलिसी वैसे भी वो इस चीज़ को जोर दे रही है कि अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया जाए, और ख़ासकर 5वीं तक जो प्राइमरी तक की शिक्षा है वो तो अपने मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा इनसे ही मिले। भाई, जड़ मजबूत करिए ना आप, कृत्रिमता के नाम पर जड़ें उखाड़ दिए। और जब बच्चे का देखिए, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, ये क्या होता है, ग्रहणशीलता इसमें ज़्यादा है। आप उस समय उसको अंग्रेजी लाद दिए, अंग्रेजी मीडियम में जा करके, तो हालांकि उसका नुकसान हुआ, उसको आपने जड़ से अलग कर दिया, लेकिन चूंकि ग्रहणशीलता उस वक्त उसकी ज़्यादा है, उस समय आप अंग्रेजी भले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस पीरियड में आपने दिया तो अंग्रेजी उसकी बेहतर हो गई, लेकिन इधर हिंदी उसकी जो अपनी भाषा थी, इतनी समृद्ध भाषा, उसमें वो वीक हुआ कि नहीं? तो अपनी जड़ को छोड़ करके हवा हवाई में नहीं, हिंदी को महत्व दिया जाए। वैसे तो बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से या हमें पर्सनल भी कमेंट्स आए, क्योंकि लोगों ने देखे तो हर किसी को लगा कि हमारा नाम सो हो जाएगा इसलिए प्रश्न करें या ना करें, लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टिव प्रश्न हम रख रहे हैं आपके साथ। एक आध प्रश्न और रखेंगे क्योंकि ये जो हमारा सेशन है वो काफ़ी लंबा हो चला है। एक ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने भी अपना नाम बताने से मना कर दिया है, आपके अनुयायी ही हैं वो, उनका कहना है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम का फेलुअर नहीं है कि देवसर जैसी जगह से कोई संगीत के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि ये भी तो एजुकेशन है, इन क्षेत्रों में ना तो स्टेट लेवल पर कोई नाम कमा पाया है ना तो राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या ये एजुकेशन का फेलुअर नहीं है? देखिए, क्या है कि अब हालांकि बढ़ रहे हैं लोग, अब जागरूक हो रहे हैं, अभी तक क्या है कि घिसी पिटी कुछ क्षेत्र लोगों की नज़र में था। पढ़ना लिखना मतलब IAS बनना, पढ़ाई लिखाई माने इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, दूसरी चीज़ों को आदमी समझ नहीं पा रहा था। अभी देखिए, अभी क्षेत्र छोटा है, ग्रामीण अंचल है, ज़्यादा चीज़ों पर आदमी का अभी खुलापन नहीं है, अब आ रहे हैं, जाना तो चाहिए। देखिए, हर क्षेत्र में तभी समृद्धि का वो कहा जाएगा।
दोस्तों आज हमारे साथ इस स्पेशल सेशन में श्री शाह आचार्य जी थे, हमारे गुरुजन वृंद हैं। और मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो शाह आचार्य जी जो भी यहां पर बोल रहे थे इनको मैं शुद्ध शब्द से सुन रहा था, और इसी लिए हमने सोशल मीडिया पर पोल डाल दिया गया था कि आप अपने क्वेश्चंस करिए, क्योंकि मैं आचार्य जी को लाइव सुनना चाह रहा था। मेरी दिली इच्छा थी और वो इच्छा पूरी हो गई। विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों से संबंधित, हालांकि मुख्य विषय तो शिक्षा थी, लेकिन विभिन्न प्रकार से आचार्य जी के अनुयायियों ने, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रश्न रखे। आचार्य जी ने बड़े ही अच्छे से, खुशी के माहौल में और बिना किसी इरिटेशन के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि एक नॉर्मल स्तर से हट के थे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रकाशित हुए आचार्य जी के मुखार बिंदुओं से। दोस्तों हम फिर से अगली बार आपसे ऐसे ही किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करवाएंगे, और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।